नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं बग्गा साहब की, तेजिंदर पाल सिंह बग्गा। देखिए, एक चीज़ मुझे समझ नहीं आई कि पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म से क्यों बचना चाहती हैं पार्टियां। अब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को ऐसा कौन है देश में, अपोजिशन में, जिसने खुली गालियां नहीं दी? किसी ने मौत का सौदागर कहा तो किसी ने कुछ कहा तो किसी ने कुछ कहा। यहाँ तक कि छोटे छोटे अदनान कार्यकर्ता जिनकी औकात नहीं है कि वो प्रधानमंत्री भी सही से कह सके, उन्होंने भी प्रधानमंत्री को गाली देने से, प्रधानमंत्री को उल्टा सीधा कहने से अपने आप को नहीं रोका। उन्होंने भी खुला कहा, ना ही कांग्रेस पार्टी, ना ही अपोजिशन की कोई और पार्टी, ना ही आम आदमी पार्टी और किसी भी पार्टी ने ये कहा कि मेरा ये कार्यकर्ता गलत बोलता है, इसको जेल जाना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री के लिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए। यहाँ तक कि भारत छोड़ दीजिए, विदेशों में भी इन पार्टियों ने भारत के प्रधानमंत्री को बदनाम करने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। इनकी सेट मीडिया ने भी ऐसा कुछ नहीं छोड़ा जो कि उनको बदनाम करना या उनको उल्टा सीधा कहने से बाज आते हो। मुझे नहीं लगता कि ऐसा एक भी केस हमारे देश में फाइल हुआ जिसमें ये कहा गया हो कि प्रधानमंत्री को ऐसा कहने की वजह से कोई गिरफ्तारी हो रही है, प्रधानमंत्री के विषय में, भारत के सरकार की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करने में, भारत के सरकार के किसी मिनिस्टर के कोई स्टेटमेंट को क्रिटिसाइज़ करने में किसी भी प्रकार की कोई FIR हुई हो, किसी प्रकार का कोई मुकदमा हुआ हो। अगर कोई हुआ भी होगा तो वो सिर्फ तब हुआ होगा जब वायलेटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया होगा, देश के लिए खतरनाक भाषा का इस्तेमाल किया गया होगा, देश को कटघरे में खड़ा किया गया होगा, हिंदुत्व की पॉलिसी को कटघरे में खड़ा किया गया होगा या संप्रभुता को खड़ा किया गया होगा। यहाँ तक कि मुझे नहीं याद आता कि आम आदमी पार्टी ने किसी ऐसे कार्यकर्ता को जो बंगाल में या फिर जो इंशाल्लाह टुकड़े होंगे ऐसा कहने वाले गैंगों के विषय में भी कुछ कहा हो कि इनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी ने सदैव, यहाँ तक कि JNU में जब ये सब चल रहा था तो वहाँ जाकर समर्थन किया था कि तुम ठीक कर रहे हो, भारत के प्रधानमंत्री को खड़गरे में खींच रहे हो। आप सोचिए, केवल खड़गरे में खींचना नहीं, कन्हैया कुमार के केस को इन्हीं केजरीवाल जी ने सैंक्शन नहीं दिया था जबकि पुलिस ने अपनी चार्जशीट बनाकर रखी थी और प्रोसिक्यूशन सैंक्शन के लिए दिल्ली सरकार की आवश्यकता थी। दिल्ली सरकार ने सैंक्शन तक नहीं दी थी जिस कन्हैया कुमार ने देश को अपनी किसी भी प्रकार की संप्रभुता को हिलाने में भी कोई छोड़छाड़ नहीं छोड़ी थी। आपको याद होगा कि जिस समय दिल्ली में सरकार बनी थी पहली बार, दूसरी बार, तो अरविंद केजरीवाल जी ने ACB जो एंटी करप्शन ब्यूरो था उसका इस्तेमाल करते हुए भारत सरकार केंद्र के अधिकारियों और मंत्रियों के खिलाफ FIR करवाने शुरू कर दी थी, बिना किसी कारण के, बिना किसी सबूत के। और लगातार जब वो सत्ता में नहीं बैठे थे तब लगातार कह रहे थे कि उनके पास 3000 पेज की एक चार्जशीट है, कोई कह रहा था 2500 पेज की है, कोई कह रहा 5000 पेज का मेरे पास डेटा है जो कांग्रेस की पुरानी सरकारों के खिलाफ है। उन पर किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, केवल उनको लगता था कि राष्ट्र की रक्षा अगर कोई पार्टी कर सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जब तक नहीं घसीटा जाएगा तब तक देश के अंदर राष्ट्र विरोधी शक्तियों को मजबूत नहीं किया जा सकता और राष्ट्र में जो घटमंडल डालना चाहते हैं ये लोग, वो नहीं डाला जा सकता। यही कारण है कि जिस समय वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस समय भी नरेंद्र मोदी जी को ही टारगेट किया जा रहा था और यही कारण है कि जब दिल्ली में सरकार बनी और ईश्वर की कृपा ऐसी थी कि दिल्ली के पास पुलिस नहीं थी। अगर दिल्ली के पास पुलिस होती, दिल्ली सरकार के पास पुलिस होती तो ये संभव है कि केंद्र की सरकार पर उन्होंने कब्जा कर लिया होता। ऐसा भी लोगों का कहना है कि रेल मंत्रालय के पास जब ये अनशन पर बैठे थे, धरने पर बैठे थे केंद्र सरकार के खिलाफ, कांग्रेस की केंद्र सरकार के खिलाफ, तो फिर उस समय प्रणब मुखर्जी जी ने रातों रात एक्शन लिया था इनको हटाने का। क्यों ऐसा लोगों का कहना भी था कि उस समय इंटेलिजेंस की ऐसी रिपोर्ट थी कि राष्ट्रपति भवन पर और प्रधानमंत्री कार्यालय पर, प्रधानमंत्री हाउस पर हमला कर सकते हैं और कब्जे की भूमिका निभा सकते हैं, ऐसी भी सूचनाएँ थी। राष्ट्र विरोधी काम करने के लिए उस समय कनेक्शन काटे गए थे, जो कनेक्शन बिजली का पेमेंट न करने की वजह से काट दिए गए थे उनके कनेक्शन जोड़ने का काम इन्हीं अरविंद केजरीवाल ने घोषणा करके अपने लोगों से करवाया था।
ये ही अरविंद केजरीवाल जी ऐसे थे जिनके साथी कुमार विश्वास ने ये बताया था कि किस प्रकार से खालिस्तानियों का सपोर्ट इनके साथ है। कुमार विश्वास ने जब इस प्रकार की बात कही तो फिर कुमार विश्वास के ऊपर पंजाब पुलिस ने एक्शन लेना चाहा। अब उनको लगता है कि दिल्ली में जब तक वो थे तब तक उनके पास पुलिस नहीं थी, इसलिए वो सभी लीडर्स को बिना किसी कारण के तानाशाही करके अंदर नहीं कर सकते थे। हिंदुस्तान को बर्बाद करने का जो साधन उनके पास होना चाहिए था वो नहीं था। दिल्ली की सरकार ऐवें ही आकर बैठ गई और दिल्ली की सरकार म्युनिसिपैलिटी के बराबर ही काम कर सकती है, इसलिए उनको पुलिस चाहिए थी। एसीबी का मामला जब आया तो एसीपी का मामला भी केंद्र सरकार ने कहा कि एंटी करप्शन बोर्ड ब्यूरो भी केंद्र सरकार का है, राज्य सरकार के पास उसके अधिकार नहीं। इस मामले को लेकर हाई कोर्ट भी जाया गया, सुप्रीम कोर्ट भी जाया गया और सब जगह से मुंह की खाकर राज्य सरकार आई। राज्य सरकार के ऊपर इस प्रकार के भी मुकदमे हैं कि चीफ सेक्रेटरी को अपने घर मुख्यमंत्री ने बुलाकर पीटा। आप सोच सकते हैं कि किसी प्रदेश का चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव, उसको पीटा जाए और बाकायदा एक आईएएस ऑफिसर मुकदमा लिखाए कि मेरी मारपीट की गई है, एलजी से लगातार जिसका विवाद चलता हो, जिसको अपनी राजनीति छोड़कर कोई दूसरा भाता ना हो, ऐसे अरविंद केजरीवाल जी को अगर कोई क्रिटिसाइज करता है, आप कश्मीर फाइल्स को लेकर स्टेटमेंट देते हैं और उस स्टेटमेंट को बीजेपी का ऑफिशियल प्रवक्ता अगर क्रिटिसाइज करता है तो उसके खिलाफ मुकदमेबाजी होगी। आप सोच सकते हैं कि डेमोक्रेसी भारत में किस लेवल पर आ गई है। डेमोक्रेसी जहां ह्यूमन राइट की बात हम लोग करते हैं, ह्यूमन राइट केवल कहने की बात है, ह्यूमन राइट केवल बीजेपी सरकार को घेरने का एक मुद्दा है, ह्यूमन राइट का कोई इशू उनके लिए नहीं है जो तेजिंदर सिंह बग्गा को दिल्ली से उठाकर चले जाएं। आप सोच सकते हैं कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बना हुआ है। आपको याद होगा कि प्रणब मुखर्जी जी ने जब अरविंद केजरीवाल जी उनसे दिल्ली में मुख्यमंत्री बनने के बाद मिलने गए थे तो उन्होंने उनको रिवर्स में एक कॉन्स्टिट्यूशन का बैरक, कॉन्स्टिट्यूशन की एक किताब भेंट की थी। मुझे लगता है प्रणब मुखर्जी जी उनसे ये कहना चाहते थे कि आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिए, संविधान और कानून आपको आना चाहिए, नहीं तो सरकार गड़बड़ कर जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी महत्वाकांक्षाएँ बहुत अधिक हैं और भारत में पॉलिटिक्स की चाल बहुत धीमी। फिर भी वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने ऊधम मचाना शुरू किया, कभी करप्शन के नाम से, कभी एंटी करप्शन के नाम से, और जिनका उनका डोमेन नहीं है उस पर उन्होंने कानून बनाने शुरू कर दिए। जैसे लोकपाल केंद्र की सरकार का डोमेन है, उन्होंने विधानसभा से पास कर दिया, यानी कि वो दिल्ली में मुख्यमंत्री बनने के बाद उनको लगने लगा कि चूंकि मैं नई पुरानी दिल्ली में बैठा हुआ हूं इसलिए मैं तो प्रधानमंत्री के इक्विवेलेंट हूं, जो केंद्र की सरकार पार्लियामेंट में कर सकती है वो सारे काम वो विधानसभा में कर सकते हैं। इसलिए विधानसभा में इस प्रकार के कुछ कानून पास करना या उन पर सजेशंस बनाना या उनके लिए विधेयक पास करना और केंद्र सरकार को भेजना, ये सब उल जुलूल काम करने शुरू कर दिए। जो शक्तियां उनके पास नहीं थी उनका दुरुपयोग करने के उद्देश्य से उन्होंने अपने हाउस का इस्तेमाल किया। ऐसे अरविंद केजरीवाल के खाते में जब पंजाब आ गया और वो भी पंजाब में तब, क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से कुमार विश्वास ने कहा था कि आप क्रिटिसाइज करिए, आप खुला बोलिए कि आपके साथ खालिस्तानी नहीं है, आपने खालिस्तानियों का सहयोग नहीं लिया, खालिस्तानियों से नहीं मिलते, खालिस्तान का समर्थन करने वाले लोगों के साथ आप उठते बैठते नहीं हैं, तो फिर आप घोषणा करिए। अरविंद केजरीवाल जी ने कोई घोषणा नहीं की और सरकार, मैंने उस पर पूरा एक लेक्चर पहले कभी रिकॉर्ड किया था और ये कहा था कैसे आम आदमी सरकार की, आम आदमी पार्टी की सरकार वहां पर किस सेंटीमेंट से है, विकास के सेंटीमेंट से नहीं, किस सेंटीमेंट से बन गई। पुलिस वहां पर मिल गई। अब उस पुलिस का इस्तेमाल दिल्ली में केंद्र की सरकार के अधिकारियों में और दूसरे राज्यों में भी करेंगे, यानी कि सरकार तो पंजाब में है लेकिन गिरफ्तारी दिल्ली में करेंगे। कमाल की बात कभी आपने सोची है? और दिल्ली में अगर गिरफ्तारी करेंगे तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में इसकी एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में अगर आपके पास कोई केस है और उस केस के मातहत अगर आपको गिरफ्तारी करनी है तो वो व्यक्ति जहां पर रहता है उसके ज्यूरिडिक्शन में जो पुलिस स्टेशन है उस पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करिए और उस पुलिस स्टेशन को बताइए कि हम इनकी गिरफ्तारी चाहते हैं।
अगर आप सीधी गिरफ्तारी करना चाहते हैं तो पुलिस स्टेशन की फोर्स को साथ में लेकर जाइए। अगर आप वैसे गिरफ्तारी उनकी सहयोग नहीं लेना चाहते हैं तो पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करिए, और पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्मेशन के बाद जब पुलिस स्टेशन से वहां आपको स्वीकृति हो जाए तो फिर उस पुलिस स्टेशन के दायरे में आप गिरफ्तारी करिए। चलिए, ये बात तो हो गई कि गिरफ्तारी आप कैसे कर सकते हैं, गिरफ्तारी का प्रोसीजर क्या है। और अगर आपने सीधा गिरफ्तार कर लिया है तो फिर आप पुलिस स्टेशन में लेकर आइए, पुलिस स्टेशन में ट्रांजिट रिमांड लीजिए और पुलिस स्टेशन में वो दर्ज करवाइए। दर्ज करवाने के बाद वो पुलिस स्टेशन नीरेस्ट जो उसका कोर्ट होगा उस कोर्ट में उस व्यक्ति को लेकर जाएगी, और जिस कोर्ट में लेकर जाएगी वहां से आपको ट्रांजिट रिमांड लेनी पड़ेगी। ट्रांजिट रिमांड उनसे लेने के बाद अपने प्रदेश में जहां कहीं भी जाते चाहते हैं वहां ले जा सकते हैं। सीधा किसी भी व्यक्ति को पुलिस को इन्फॉर्म करने के बावजूद आप उठाकर नहीं ले जा सकते। मैं अगर कहूं कि आप पुलिस में इन्फॉर्म कराते पुलिस स्टेशन में और ये कहते कि ये केस है, मैं इसमें उठाना चाहता हूं, मेरा सहयोग करें या ना करें, हम आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं, अगर आपने उस व्यक्ति को उस पुलिस स्टेशन के दायरे से उठा भी लिया है तो भी तरीका ये है कि आप नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के पास जाएंगे और उसको वहां सबमिट करेंगे। और वहां सबमिट करने का ये 24 घंटे का प्रावधान नहीं है कि 24 घंटे में करेंगे, 24 घंटे में लोकल पुलिस स्टेशन का मामला है। लेकिन अगर आप दूसरे पुलिस स्टेशन में कहीं जाते हैं तो फिर आपको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के पास लेकर जाना पड़ेगा और नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट से आप रिमांड लेंगे, जिसको ट्रांजिट रिमांड कहते हैं। उस ट्रांजिट रिमांड को लेकर आप अपने पुलिस स्टेशन में लेकर जाएंगे। अपनी पुलिस स्टेशन में आपको 24 घंटे वार्तालाप के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए दिए जाते हैं। आपका ये जो 24 घंटा है वो पुलिस स्टेशन में पुलिस को प्री इन्वेस्टिगेशन यानी कि प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन के लिए दिया जाता है। ये 24 घंटे का फॉर्मूला मैजिस्ट्रेट के सामने इसलिए नहीं है कि आप कहीं से भी उठाएंगे और बाद में मैजिस्ट्रेट के सामने पुलिस स्टेशन में 24 घंटे रखेंगे और उसके बाद मैजिस्ट्रेट के पास ले ना। अगर आपने कहीं से भी उसको किसी व्यक्ति को उठाया है तो नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के पास, उसकी कुछ किलोमीटर का दायरा है, 50 किलोमीटर में रूरल एरिया है, ये है वो है, और ऐसे करके आप उसको लेकर जाइए, फिर वहां से ट्रांजिट रिमांड लेकर जाइए और तब आप अपनी पुलिस स्टेशन में 24 घंटे रखिए और उसके बाद अपने नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट जो आपका मैजिस्ट्रेट बनता है उस मैजिस्ट्रेट के यहाँ ले जाकर उसको सरेंडर करिए। और वहां से अगर आपको रिमांड चाहिए तो आपको पुलिस रिमांड चाहिए तो पुलिस रिमांड आपका मैजिस्ट्रेट देगा, अगर आपको जुडिशियल रिमांड चाहिए तो जुडिशियल रिमांड आपका मैजिस्ट्रेट देगा, और फिर वो आपका मैजिस्ट्रेट तय करेगा जिसके दायरे में वो पुलिस स्टेशन आता है कि वाकई में ये क्या हो रहा, ये वाकई में आपको उसको रिमांड देना चाहिए नहीं देना चाहिए। आपको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सिर्फ 24 घंटे दिए जाते हैं। अब तेजिंदर सिंह बिग्गा के केस में पंजाब पुलिस आई, पंजाब पुलिस ने उनको कहा कि नोटिस देने आए हैं, इसके साथ साथ उनको उठा लिया। उठाने के बाद वो सीधे पंजाब की तरफ पड़े, वो भूल गए कि बीच में हरियाणा जाता है। इसी दौरान जो कार्रवाई हुई, तेजिंदर सिंह बग्गा के परिवार वालों ने वहां मैजिस्ट्रेट के यहां ये कहा कि हमारी किडनैपिंग हो, हमारे घर के व्यक्ति की किडनैपिंग हो गई। लोकल पुलिस ने तुरंत सर्च वारंट इशू कर दिया, लोकल पुलिस कह रहे हैं, लोकल मैजिस्ट्रेट ने तुरंत सर्च वारंट इशू कर दिया, चूंकि सीआरपीसी में इस तरह के प्रावधान है। उस सर्च वारंट को लेकर दिल्ली पुलिस सक्रिय हो गई। दिल्ली पुलिस ने वो पूरा प्रकरण हरियाणा पुलिस को बताया। होता यही है कि दिल्ली में पूरा उसका अलर्ट कर दिया जाए और अगल बगल के स्टेटों में अलर्ट कर दिया जाए कि कहां से उस व्यक्ति को लेकर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कानूनी कार्रवाई तो हुई नहीं, दिल्ली में उसको रजिस्टर नहीं किया गया और दिल्ली में मैजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित भी नहीं किया गया, तो फिर ये किडनैपिंग मानी जाएगी, व्यक्ति की इच्छा के खिलाफ लेकर जा रहे हैं। चाहे वो सरकारी कर्मचारी ही, चाहे वो पुलिस गिरफ्तार करके क्यों ना ले जा रही हो, लेकिन वो किडनैपिंग मानी जाएगी क्योंकि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को फॉलो नहीं किया गया है, इसलिए इसको माना जाएगा कि ये किडनैपिंग हुई। अब इस किडनैपिंग के खिलाफ सर्च वारंट इशू होगा, उस सर्च वारंट के आधार पर पुलिस चारों ओर सर्च करेगी, और व्यक्ति हरियाणा से जा रहा तो हरियाणा पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, हरियाणा की होम मिनिस्ट्री सक्रिय होगी और वो अपने सभी बूथों पर जहां जहां उनका बैरिकेटिंग होता है, जहां जहां पुलिस स्टेशन होता है, वहां तुरंत इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट की जाएगी। उस इन्फॉर्मेशन के आधार पर सभी गाड़ियां रोकना शुरू हो जाता है और गाड़ी पकड़ ली जाती है। हरियाणा की पुलिस ने रास्ते में पंजाब पुलिस की गाड़ी, पंजाब पुलिस थी कि नहीं थी पता नहीं, उनको रोका और उनसे पूछा कि उक्त व्यक्ति को आप किस आधार पर लेकर जा रहे हैं, मेरे पास दिल्ली पुलिस का अलर्ट है,
और दिल्ली की एक लोकल कोर्ट का सर्च अलर्ट हुआ है, सर्च वारंट इशू, सर्च ऑर्डर इशू हुआ है। पंजाब पुलिस के पास किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंट ये नहीं था कि वो हरियाणा में उस व्यक्ति को लेकर क्या कर रहे हैं। अब अगर हरियाणा से उठाया होता तो भी हरियाणा पुलिस को रोकने का अधिकार था, और दिल्ली पुलिस के अलर्ट पे भी हरियाणा पुलिस को रोकने का अधिकार था। सपोज हरियाणा के करनाल से या हरियाणा के किसी डिस्ट्रिक्ट से उठाया गया होता तो भी हरियाणा पुलिस उनसे पूछती कि हमारे किसी पुलिस स्टेशन में आपने इसकी इन्फॉर्मेशन दी, हमारे मैजिस्ट्रेट के सामने इनको उपस्थित करवाया क्या, उसका ट्रांजिट रिमांड आपके पास है क्या, अगर ट्रांजिट रिमांड आपके पास नहीं है तो आप किस आधार पर यहां से लेकर जा रहे और आप कौन है। क्यों? क्योंकि पंजाब पुलिस के भेष में कौन किसको उठाकर ले जा रहा है ये किसी को पता नहीं है, और अथॉरिटी कैसे चेक होगी कि पंजाब पुलिस ही है ये। इसलिए हरियाणा पुलिस ने उनको रोक लिया। हरियाणा पुलिस ने उनको रोक कर वो जो लोग लेकर जा रहे थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया। अब यहां पर एक पेंच है जो इन्होंने कहा, हरियाणा पंजाब पुलिस गई सीधी चंडीगढ़ हाईकोर्ट, उन्होंने कहा कि साहब हमारी पुलिस को यहां रोक कर रखा, तेजेंद्र सिंह बग्गा को हम उठाकर ले जा रहे थे, तेजेंद्र सिंह बग्गा को पंजाब ले जाने का हमें अनुमति दी जाए। हाईकोर्ट रूल ऑफ लॉ पर चलता है, हाईकोर्ट ने यह अनुमति नहीं दी, प्रोसीजर ऑफ लॉ पूरा करके आना ही पड़ेगा, अदरवाइज नहीं। इन परिस्थितियों में जब प्रोसीजर ऑफ लॉ पूरा करके ही आना पड़ेगा और अनुमति नहीं है तो फिर तेजेंद्र सिंह बग्गा को दिल्ली पुलिस वहां से लेकर चली आई दिल्ली। और इधर पंजाब पुलिस को पकड़ कर रखा हुआ है, क्यों रखा हुआ है ये समझिए। पंजाब पुलिस एक चीज कानून में हमको ध्यान रखनी चाहिए, आईपीसी के सेक्शन 75-76 में ये व्यवस्था दे रखी, इवन 76-77 में ये व्यवस्था दे रखी है कि विद द ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ इन कमांड ऑफ लॉ। अगर इन कमांड ऑफ लॉ कोई काम कर रहा है तो वो एग्जेम्प्टेड है, लेकिन इन कमांड ऑफ लॉ में अगर वो काम नहीं कर रहा है और उसको आदेश भी किसी कमांडर ने दिया, सपोज कोई कमांडर अगर किसी व्यक्ति को ये आदेश देता है अपनी पुलिस को कि जाइए और यहां 20 लोग खड़े हैं इनको गोली मार दीजिए बिना किसी कारण के, अगर ऐसा आदेश दिया जाता है भले ही सरकार ने क्यों ना दिया हो, तो ऐसे लोग, ऐसी पुलिस जिसने ये गोली कांड किया है वो हत्या के दोषी होंगे, चाहे वो पुलिस वाले क्यों ना हो, चाहे वो सरकार क्यों ना हो। इसलिए जब तक आप कमांड ऑफ लॉ में काम ना कर रहे हो तो फिर आप वैसे ही दोषी होते हैं जैसा कि एक सामान्य व्यक्ति दोषी होता है। यहां पर पंजाब पुलिस चूंकि कमांड ऑफ लॉ में काम नहीं कर रही थी इसलिए वो इलीगल काम कर रही थी, तो पुलिस भी यहां पर एग्जेम्प्टेड नहीं है और पुलिस यहां पर पूर्ण रूप से दोषी है। उनके खिलाफ FIR होगी, उनके खिलाफ मुकदमा होगा किडनैपिंग का, और किडनैपिंग के चार्जेस के तहत उनके ऊपर पूरा प्रोसीजर अपनाया जाएगा। भले ही वो ये कहें कि DGP पंजाब ने उनसे कहा है, अगर DGP पंजाब ने उनसे ऐसा कहा है और उनके पास कोई ऐसा ऑर्डर है तो फिर DGP पंजाब भी यहां भड़काने के आरोप में दोषी होगा और कॉन्स्पिरेसी का पार्ट माना जाएगा कि वो भी कॉन्स्पिरेटर है, और उसके ऊपर भी मुकदमा होगा किडनैपिंग का, क्योंकि किडनैपिंग के मामले में कोई जो व्यक्ति फिजिकली लेकर जा रहा है केवल वही दोषी नहीं होता, जो लोग बाहर से टेलीफोनिक चर्चा से या कम्युनिकेशन से किसी प्रकार से भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं वो सभी किडनैपिंग के या एबडक्शन के दोषी होते हैं। यहां पर वो लोग एबडक्शन के पूर्ण रूप से दोषी है। उनको लेकर आएगा, चूंकि सर्च इशूड था कोर्ट के द्वारा, इसलिए अब दिल्ली पुलिस अगर लेकर आई है तो दिल्ली पुलिस का काम बनता है कि सबसे पहले मैजिस्ट्रेट के यहाँ उपस्थित करवाएं और ये कहें कि आपका सर्च इशू है, इस सर्च में हमने इनको ऐसे ऐसे करके लाकर आपके सामने उपस्थित कर दिए, अब इनका क्या करना है बताइए। रिमांड मैजिस्ट्रेट या जो भी ड्यूटी ऑन ड्यूटी मैजिस्ट्रेट होगा उसको उस सर्च वारंट के आधार पर, सर्च के आधार पर वहां पेश किया गया देवेंद्र सिंह बग्गा को और वहां तेजेंद्र सिंह बग्गा को, और वहां पेश करने के बाद कोर्ट से रिलीज करवाया गया, यानी कि प्रोसीजर ऑफ लॉ को पूरा फॉलो किया गया। अब बात आती है कि कहां से उनको उनकी रिकवरी हुई, जहां से रिकवरी हुई जो लोग भी इन्वॉल्व थे, इस व्यक्ति का, जिस व्यक्ति को लाया गया है उसका मेडिकल लीगल होगा और मेडिकल लीगल के आधार पर फाइल बनेगी, उस फाइल के आधार पर जिन लोगों ने किडनैपिंग की है, मारपीट की है, बदसलूकी की है, परिवार वालों के साथ मारपीट की है, तेजेंद्र सिंह बग्गा के पिता के साथ मारपीट की है, ये सभी मामले अब दिल्ली में भी दर्ज होंगे और हरियाणा में तो दर्ज होंगे ही होंगे।
चूंकि जुरिडिक्शन की, अब यहां पर जुरिडिक्शन की बात पड़ेगी, चूंकि हरियाणा पुलिस ने पकड़ा है इसलिए जुरिडिक्शन हरियाणा पुलिस में भी बनता है, और चूंकि दिल्ली का मामला है इसलिए जुरिडिक्शन दिल्ली में भी बनता है, और कोर्ट अब पंजाब पुलिस के खिलाफ हरियाणा या दिल्ली दोनों जगह पर ही किडनैपिंग के चार्जेस में मुकदमा चला सकती है। इन सभी लोगों को जो पुलिस में इन्वॉल्व थे, इन सभी लोगों को अनुमति बेल करवानी पड़ेगी, तब ये आएंगे। ये भी संभव है कि ऐसी कुकृत्य काम करने की वजह से हाईकोर्ट ऐसे पुलिस ऑफिसर्स को टर्मिनेट भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो अगर इस प्रकार से काम करेंगे, रक्षक ही भक्षक बन जाएगा, तो फिर देश कैसे चलेगा, देश कौन चलाएगा। मुझे लगता है कि इन विषयों पर जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी या फिर भगवंत मान जी ने जिस प्रकार से मिसयूज ऑफ पावर करना शुरू किया है, ये देश के लिए इससे बुरा कुछ और नहीं हो सकता, और ये उनको इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। जनता के मन में तो ये आने ही लगा होगा कि इस प्रकार का अत्याचारी शासक क्या चाहिए, इस प्रकार का दुर्दांत अत्याचारी शासक की आवश्यकता है जो रूल ऑफ लॉ को, प्रोसीजर ऑफ लॉ को फॉलो ना करे और वो इस प्रकार की घटनाएं पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म पर कर दे। आप सोच सकते हैं कि जैसे मैंने शुरू में ही कहा था, मोदी जी को कितना क्रिटिसिज्म करते हैं, लेकिन क्या आज तक उन्होंने किसी बात की शिकायत करके मुकदमे दाखिल किए? नहीं हुए, क्योंकि पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म होता है, होने चाहिए थे। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, इतना बुरा बुरा बोलते हैं कि बहुत कुछ होना चाहिए, लेकिन वो ये मानकर चलते हैं भारत में डेमोक्रेसी है, और मेरे को क्रिटिसाइज करना, सरकार को क्रिटिसाइज करना लोगों का अधिकार नहीं, कर्तव्य भी बनता है, ताकि सरकार सुधरी रहे। जैसा कहा गया है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, तो निंदक तो चाहिए ही, लेकिन निंदक को जिस समय जेल में डालना शुरू कर देंगे, निंदक को जिस समय आप पकड़ना शुरू कर देंगे, एक राष्ट्रीय प्रवक्ता को जो टीवी चैनलों पर जवाब देता है, बहस करता है, उस प्रवक्ता को अगर आप गिरफ्तार करना शुरू कर देंगे, तो आप सोच सकते हैं कि देश में डेमोक्रेसी के हालात किस स्थिति पर आ चुके हैं और देश किस तरफ अग्रसर हो चुका है। ये हमला केवल उन पर नहीं, एक और नई बात, पंजाब पुलिस ने आज हरियाणा में, वो पंजाब पुलिस ने आज चंडीगढ़ हाईकोर्ट में ये कहा कि साहब इसमें दो एप्लीकेशन मूव करी, और कहा इसमें केंद्र सरकार को भी पार्टी बनाया जाना चाहिए। आप सोचिए कि दिल्ली पुलिस का मामला है, हरियाणा पुलिस का मामला है, कहते केंद्र सरकार को भी पार्टी बनाया जाना चाहिए। मैं समझ नहीं पाया कि केंद्र सरकार, लॉ एंड ऑर्डर केंद्र सरकार का तो रोल है नहीं, तो केंद्र सरकार को क्यों पार्टी बनाया जाना चाहिए? क्या चाहती है आम आदमी पार्टी की जो नई सरकारें बनी हैं? मैं समझ नहीं पाया। क्या इनको सरकार चलानी नहीं आती? क्या ये एजुकेटेड लोग नहीं हैं? क्या ये वाकई में जो खालिस्तानी आरोप लगाए थे कुमार विश्वास ने, उन पर क्या लोग विश्वास कर सकते हैं? क्या विश्वास करना चाहिए? क्या उस तरफ लोग सोचने लगेंगे? मुझे लगता है ये बहुत कुछ है। इसके पीछे एक बात और हो सकती है कि जब तेजिंदर पाल को, बग्गा साहब को जब गिरफ्तार किया जा सकता है, तो पूरे पत्रकार समाज को, पूरे क्रिटिसाइजर्स को, पूरे एनालिटिकल एडवाइजर्स को ये मैसेज देने का प्रयास चल रहा है कि आपने अगर अरविंद केजरीवाल की छवि को खराब करने की कोशिश की, तो जब तेजिंदर सिंह बग्गा नहीं बचे तो तुम कोई भी नहीं बचोगे। यानी कि वो अगर ऐसा कह रहे थे टीवी चैनल पर, तो उस टीवी चैनल के एंकर भी उसमें दोषी हैं, उस के अलावा पूरे सिस्टम में जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं वो, ये जो यूट्यूब पर पॉलिटिकल एनालाइजर एनालिसिस करते हैं वो, या किसी भी प्रकार का जो सूचना तंत्र है, ये अगर कोई बात कहते हैं, तो अरविंद केजरीवाल जी इन सब को जेल के अंदर डाल देंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे 1975 की इमरजेंसी के दौरान सभी को, पत्रकारों सहित सभी को जेल में डाला गया था। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।